हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अजब गजब इंग्लिश। और आज हम डिस्कस कर रहे हैं सीबीएसई ग्रेड 10th फर्स्ट फ्लाइट बुक का फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है अ लेटर टू गॉड। जिस तरीके से टाइटल है, अ लेटर टू गॉड, सीधे सी बात है, अंडरस्टूड है कि एक लेटर लिखा गया है, एक बहुत ही अच्छा प्रेम पत्र लिखा गया है। किसको? गॉड को। बट याद रखना, यहाँ पे कोई लव लेटर नहीं है, बल्कि क्या है, एक रिक्वेस्ट लेटर है। अगर आप यहाँ पर देख सकते हो पिक्चर में, डियर गॉड हेल्प मी, हेल्प मी, हेल्प मी, हेल्प मी। और सेंडर कौन है? लेंचो। लेंचो एक गरीब किसान है और उसी की कहानी हम आज देखेंगे इस पर्टिकुलर चैप्टर में, जिसका नाम है अ लेटर टू गॉड। तो बिफोर गिविंग यू लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन, पहले मैं आपको ये समझा देती हूँ कि इस पर्टिकुलर चैप्टर का जिस्ट क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है। जब ये चैप्टर लिखा है राइटर ने, तो उसका ऑब्जेक्टिव है क्या? टू अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ फेथ, टू बिलीव दैट फेथ कैन मूव माउंटेन्स। इस पर्टिकुलर चैप्टर में आप देखोगे कि अगर आपके दिल में अटूट विश्वास है, ठीक है, अटूट विश्वास है भगवान पर, गॉड पर, कि जो मेरे दिल में विश्वास है, मेरी नीयत अच्छी है, ठीक है, और मेरा विश्वास है, तो भगवान उस विश्वास को कभी भी टूटने नहीं देते हैं। उसी चीज को सेंटर में रख के ये पूरी स्टोरी को क्रिएट किया गया है। और विश्वास चाहिए आपको पता है कैसा? जैसा करण अर्जुन मूवी में मदर का विश्वास होता है कि मेरे करण अर्जुन जरूर आएंगे। बट यहाँ पे करण अर्जुन नहीं आएंगे, बल्कि क्या आएगा? हेल्प आएगा, हेल्प फ्रॉम द गॉड। अब किसके लिए आएगा? लेंचो के लिए आएगा। तो इस चीज को ही सेंटर में रख के ये पूरी स्टोरी कंस्ट्रक्ट की गई है। तो चलिए अब हम डिस्कस करते हैं लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन। वर्ड मीनिंग सब कुछ लिखा हुआ है, आराम से देखते रहिए, समझते रहिए, बुक को खोल लीजिए, एक पेंसिल हाथ में रख लीजिए। चैप्टर बहुत ही आसान है, बट हमेशा याद रखिएगा, दिल और दिमाग दोनों से पढ़िएगा। The house, the only house in the entire valley, sat on the crest of a low hill. From this height, one could see the river and the field of ripe corn, dotted with the flower that always promised a good harvest. Introduction. चैप्टर कहाँ से स्टार्ट होता है, कहानी कहाँ से शुरू होती है, इमेजिन करना शुरू करो। इकलौता घर है भाई पहाड़ी की चोटी पर, एकमात्र घर है पहाड़ी की चोटी पर, और उस घर के बाहर खड़े होकर आप सब कुछ को देख सकते हो, नेचर को एंजॉय कर सकते हो, रिवर को देख सकते हो, खेतों को देख सकते हो, जिसमें किसकी फसल लगी हुई है? मकई की फसल लगी हुई है, और मकई की फसल बिल्कुल तैयार है, बिल्कुल कटने के लिए तैयार है। तो आप अगर इस पिक्चर में भी देखो तो आपको क्या दिखाई दे रहा है कि एक पहाड़ की चोटी है, चोटी की हाइट थोड़ी छोटी है, और उस पहाड़ की चोटी पे इकलौता घर है, और वो किसका घर है? हमारे हीरो का घर है, जो इस चैप्टर का हीरो है, उसका घर है। तो आपको आई होप कि इंट्रोडक्शन तो समझ आ गया होगा। सीन जो है पहला सीन मूवी का, इमेजिन करना शुरू करो कि मूवी का पहला सीन, आप थिएटर में बैठे हो और आपने देखा कि एक घर दिखाया जा रहा है पहाड़ी की चोटी पर, इकलौता घर है, और आसपास का व्यू बहुत ही खूबसूरत है, नदियां बह रही हैं, ठीक है, उसके बाद हरे भरे खेत हैं, मकई के खेत लगे हुए हैं, और पूरी तरह से मकई जो है वो पक चुकी है कटने के लिए। तो इस तरीके का नेचर प्रेजेंटेशन, बहुत ही अच्छा नेचर प्रेजेंटेशन हमारे सामने दिखाया गया है। द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वॉज अ डाउनपॉर और एटलीस्ट अ शावर। Throughout the morning, Lancho, who knew his field intimately, had done nothing else but see the sky toward the northeast. अब आ जाती है हीरो की एंट्री। हीरो जिसका नाम है लेंचो, लेंचो एक गरीब फार्मर है। उस दिन सुबह से उसने कुछ नहीं किया, बल्कि सिर्फ और सिर्फ नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन की तरफ, उत्तर पूर्व दिशा की तरफ आसमान में कंटिन्यूसली देखता रहा। क्यों देखता रहा भाई? इस उम्मीद से कि कहीं कुछ बारिश हो जाए, क्योंकि वो अपने खेतों को बहुत ही अच्छी तरह से जानता था, और उसे पता था कि मेरी जो मकई की खेत है ना, उसे क्या चाहिए, थोड़ी बहुत बारिश हो जाए, चलो कुछ छींटे भी पड़ जाए ना, तो मेरी मकई की फसल और भी अच्छी हो जाएगी। इस वजह से लेंचो क्या कर रहा है? आसमान की तरफ देख रहा है। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वॉटर, वुमेन, The woman who was preparing supper replied, "Yes,
God willing, the older boys were working in the field while the smaller ones were playing near the house until the woman called to them all, come for dinner. अब यहाँ पर एंट्री हो जाती है इस पर्टिकुलर सिचुएशन में किसकी, लेंचो की वाइफ की. लेंचो की वाइफ जो क्या कर रही हैं, सपर बना रही हैं. सपर का मतलब क्या हो गया, डिनर. डिनर बना रही होती हैं. लेंचो उसे कहता है कि अरे मोहतरमा, आज तो कुछ बारिश जरूर हो जाएगी. तो वो भी कह देती है कि अगर ईश्वर की इच्छा हुई तो ज़रूर हो जाएगी. ऑब्वियसली तो बात है, बारिश करवाना हमारे हाथ में तो है नहीं, ये तो ईश्वर के हाथ में ही है. वो बात अलग है कि आजकल आर्टिफिशियल बारिश भी हो जाती है, बट स्टोरी में ऐसा कुछ भी नहीं है. तो क्या होता है, स्टोरी को ध्यान से समझिए. लेंचो अपनी वाइफ को कहता है कि लगता है कि आज बारिश होगी. तो वो भी रिप्लाई करती है कि अगर ईश्वर की इच्छा हुई तो बारिश जरूर होगी. ऐसे सिचुएशन के बाद हमें क्या दिखाया जाता है कि लेंचो की वाइफ, ठीक है, जो लेंचो की वाइफ है वो खाना बना रही है रात का, जिसे क्या कहते हैं, सफर. और जो लेंचो के बड़े लड़के हैं वो खेत में काम कर रहे हैं, और जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो घर के पास ही खेल रहे हैं. खाना तैयार हो जाता है और लेंचो की वाइफ सबको बुलाती है, अरे जल्दी से आ जाओ भाई, खाना तैयार है. और सभी के सभी जल्दी जल्दी भाग कर घर में चले जाते हैं. ऑब्वियस सी बात है, डिनर का टाइम है. It was during the meal that, just as Lencho has predicted, big drop of rain began to fall. In the northeast, huge mountain of cloud could be seen approaching. The air was fresh and sweet. अब सिचुएशन को समझो. लेंचो अपने परिवार के साथ, लेंचो की वाइफ, लेंचो के बड़े लड़के, लेंचो के छोटे बच्चे, सभी क्या कर रहे थे, डिनर कर रहे हो. और अचानक से बरसा पानी, कुछ ऐसी सिचुएशन हो जाती है. बाहर का मौसम बहुत ही रोमांटिक हो जाता है, ठंडी हवाएं चल रही होती है और आसमान से बारिश की बूंदें धरती पर बरसना शुरू हो जाती है. और नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में जहाँ की लेंचो देख रहा था, वहाँ क्या है, काले काले बादल जो है वो छा जाते हैं. मतलब पूरा माहौल जैसा कि लेंचो ने प्रिडिक्ट करा था, भविष्यवाणी करी थी. क्या भविष्यवाणी करी थी जी, कि आज तो बारिश होगी. और वही होता है, जैसे ही वो खाना खाने लगते हैं और उधर से टिप टिप बरसा पानी हो जाता है. The man went out for no other reason than to have the pleasure of feeling the rain on his body. And when he returned, he exclaimed, These are not raindrops falling from the sky. They are new coins. The big drop are 10-cent pieces and the little ones are 5. लेंचो बीच में खाना छोड़ देता है और वो दौड़कर गेट खोलता है और बाहर चला जाता है. इस उम्मीद से बाहर चला जाता है कि मैं उस खुशी को महसूस कर सकूं कि जब ये बारिश की बूंदें मेरे शरीर पर गिरेंगी तो मुझे कितना खुशी महसूस होगा. उसी प्लेजर को फील करने के लिए लेंचो घर से बाहर चला जाता है. और जब बारिश की बूंदें उसके शरीर पर पड़ती है, वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है. और फिर वो अंदर भी आता है और अंदर आकर सबको कहता है, आपको पता है ये बारिश की बूंदें नहीं है, बल्कि ये तो क्या है, सिक्के हैं. सिक्के हैं जो आज आसमां से बरस रहे हैं. जो बड़े बड़े बारिश की बूंदे हैं वो क्या है, 10 सेंट है. और जो छोटी छोटी बारिश की बूंदे हैं वो क्या है, 5 सेंट है. अरे मैडम, स्टोरी में कन्फ्यूजन हो गई, सेंट क्या है, यहाँ तो बारिश की बूंदे थी. तो यहाँ पे मैं आपको क्लियर कर देती हूँ भाई, हम हैं इंडिया में, इंडिया में 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं और डॉलर में, 1 डॉलर में 100 सेंट होते हैं. अब तो समझ में आ गया होगा कि सेंट होता क्या है. तो यहाँ पे लेंचो जो है ना, वो कंपेयर करता है बारिश की बूंदों को किससे, करेंसी से. ठीक है, करेंसी से कंपेयर करता है क्योंकि उसे पता है कि ये जो बारिश की बूंदें हैं वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती हैं मेरे कॉर्न, जो कॉर्न की उसकी मकई की खेत है उसके लिए. तो इस वजह से वो उसको किससे कंपेयर करता है, वो उसे कंपेयर करता है सेंट से, कि जो बड़ी बारिश की बूंदें हैं वो 10 सेंट है और जो छोटी बारिश की बूंदें हैं वो 5 सेंट है. आई होप कि अब तक की सारी स्टोरी आपको अच्छे से क्लियर हो रही होगी. एक रीकैप दे देती हूँ, फ्लैशबैक में चलना. स्टोरी शुरू होती है, एक घर दिखाया जाता है, इकलौता मात्र घर है. लेंचो जो मेन हीरो है वो
नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन की तरफ देख रहा है और इस उम्मीद से देख रहा है कि आज तो बारिश हो जाएगी, क्योंकि उसके खेतों को जरूरत है थोड़ी सी बारिश की, ज्यादा नहीं तो कम से कम छींटे ही पड़ जाए, दिक्कत कोई भी नहीं है। फिर अचानक से उसकी वाइफ सभी को बुलाती है, आओ खाना बन गया है, डिनर, चलो मिलजुल कर खाना खाएं। और हमें पता लगता है कि लेंचो की फैमिली में कौन है, उसके बड़े लड़के हैं जो खेत में काम करते हैं, छोटे बच्चे हैं जो घर के आसपास खेलते हैं, और वाइफ है, सारा खानदान मिलजुल कर खाना खा रहा होता है कि अचानक से बाहर बारिश होने लगती है। लेंचो खाना छोड़कर बाहर चला जाता है और देखता है कि अरे बारिश हो रही है, वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और फिर अपनी वाइफ और अपने बच्चे को क्या कहता है कि ये जो बारिश की बूंदे हैं सिर्फ बारिश की बूंदे नहीं है बल्कि सिक्के हैं। और फिर वो कंपेयर कर देता है बारिश की बूंदों को कि बड़ी बारिश की बूंदे क्या है 10 सेंट है और छोटी बारिश की बूंदे क्या है 5 सेंट है। आई होप कि यहाँ तक की स्टोरी अच्छे से क्लियर हो रही होगी। With a satisfied expression, he regarded the field of ripe corn with its flower trapped in a curtain of rain. But suddenly, a strong wind began to blow, and along with the rain, very large hailstones began to fall. अब आगे की स्टोरी समझो। लेंचो जो है अपने घर के बाहर गेट पे खड़ा है और अपनी मकई के खेत को देख रहा है। पहले तो वो बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा संतुष्ट हो जाता है, उसका दिल रिलैक्स हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसे बारिश की उम्मीद थी और वो देखता है कि मेरे जो मकई के खेत हैं उसको जितनी बारिश चाहिए थी उतनी उसे मिल चुकी है, तो बहुत ही ज़्यादा रिलैक्स हो जाता है। लेकिन 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 सिचुएशन में आएगा ट्विस्ट। आपको तो पता है ना, हीरो कभी सुखी नहीं रह सकता, तो सिचुएशन में आ जाता है ट्विस्ट। अचानक से मौसम बदल जाता है, जो हवा स्वीट थी, फ्रेश थी, वो क्या हो जाती है, तूफान में बदल जाती है। बहुत सारा तूफान आना शुरू हो जाता है और बारिश की जो स्पीड है वो भी बढ़ जाती है, बारिश भी तेज हो जाती है, तूफान भी आना शुरू हो जाता है। और बारिश के साथ साथ क्या होता है, आसमान से ओले पड़ने शुरू हो जाते हैं। ओले समझते हो ना, जो वाइट वाइट वो क्या बोलते हैं, जैसे जिसको आप गड़े भी बोलते होते हो, ओले, जिस जो पत्थर टाइप होते हैं आसमान से वो गिरना शुरू हो जाता है। सिचुएशन पूरी तरह आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। तो इस तरीके से अब हम देख रहे हैं कि स्टोरी में आ गया है ट्विस्ट। जो बारिश लेंचो को अभी खुश कर रही थी, अब वो बारिश अलोंग विद द हेलस्टोन लेंचो को बहुत ही तकलीफ दे जाएगी। तो देखें आगे क्या होता है। This truly did resemble new silver coin. The boys, exposing themselves to the rain, ran out to collect the frozen pearls. अब आगे की सिचुएशन देखो, यहाँ पे थोड़ा सा सीरियस हो जाओ, मस्ती मजाक तो चलता ही रहेगा। अचानक से बारिश हो रही थी, अचानक से तूफान आ जाता है। तूफान के साथ क्या है, बारिश की स्पीड जो होती है वो और बढ़ जाती है और उसके साथ ओले पड़ने शुरू हो जाते हैं। जो छोटे छोटे बच्चे हैं ना लंचो के, वो लोग तो इंजॉय कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें ये लग रहा है कि आसमान से सिल्वर कॉइन्स गिर रहे हैं। वो घर से बाहर की तरफ निकलते हैं बारिश में और उसे इकट्ठा करना शुरू कर देते हैं। जब हम भी छोटे होते थे ना यार, तो जब ओले पड़ते थे ना, हम भी बड़े खुशी से बाहर जाते थे और उन्हें इकट्ठे करते थे। क्यों? क्योंकि वो ऐसा लगता है जैसे पर्ल्स होते हैं ना, फ्रोजन पर्ल्स, उस तरीके से वो दिखाई देते हैं। तो बच्चे बड़ा इंजॉय करते हैं क्योंकि बच्चों को ये नहीं पता होता है कि इसका नुकसान क्या होगा। लेकिन लेंचो को पता है कि क्योंकि उसकी खेत जो है वो कटने को तैयार है, अचानक से ओले पड़ रहे आसमान से, आप खुद ही सोचो अब उसके साथ क्या होने वाला है। इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ, एक्सक्लेम द मैन, आई होप इट पास क्विकली। It did not pass quickly. For an hour, the hail rained on the house, the garden, the hillside, the cornfield, on the whole valley. The field was white as if covered with salt. अब देखो, बच्चे तो enjoy कर रहे हैं rain में और जो ये ओले पड़ रहे हैं उसे इकट्ठा कर रहे हैं, लेकिन जो लेंचो है वो बहुत ही ज़्यादा घबरा जाता है और ये उम्मीद करना शुरू करता है कि ये जल्दी से पास हो जाए, क्योंकि उसे पता है कि अब सिचुएशन जो है वो क्या है, खराब होने लगी है। बट क्या कर सकते हो, ऐसा नहीं होता है। 1 घंटे तक बारिश होती रहती है और ओले पड़ते रहते हैं और इसकी वजह से क्या होता है, घर, गार्डन, हिल साइड और सारी मकई की खेत जो होती है ना,
वो बर्बाद हो जाती है। चारों तरफ क्या दिखाई देते हैं, ओले ही ओले पड़े होते हैं। ऐसा लगता है कि सारी मकई की खेत के ऊपर किसी ने नमक बिछा दिया हो। इस तरीके से जो मकई की खेत है ना, वो ओले के नीचे आ जाते हैं और सब कुछ स्पॉइल हो जाता है। Not a leaf remained on the tree. The corn was totally destroyed. The flower was gone from the plant. Lencho's soul was filled with sadness. When the storm had passed, he stood in the middle of the field and said to his son, अब देखो, एक घंटा ओले पड़ते हैं, सारी चीजें बर्बाद हो जाती है, एक फूल भी नहीं बच जाता है किसी भी ट्री पर, सब कुछ तहस नहस हो जाता है और लेंचो का दिल दुखी से भर जाता है। वो अपनी खेत के बीच में खड़ा होता है, सिचुएशन को देख रहा होता है, वो खेत, वो मकई के खेत जिसे उसने बच्चों की तरह पाला था और वो अब कटने को तैयार थी और उसे कुछ पैसे मिलने थे उसे बेच कर, लेकिन वो सिचुएशन सब बैनिश हो जाती है। अब सिचुएशन क्या है कि वो मिडल ऑफ द खेत में खड़ा हुआ है, फील्ड में खड़ा हुआ और देख रहा है कि किस तरीके से कुछ घंटों में सब कुछ बर्बाद हो गया। और फिर वो अपने बेटे को कहता है, क्या कहता है ध्यान से देखो, अ प्लेग ऑफ लक्टस वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस, द हेल हैज लेफ्ट नथिंग, दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, दैट नाइट वॉज अ सोरोफुल वन, ऑल आर वर्क फॉर नथिंग, There is no one could help us. We will all go hungry this year. अब देखो, लेंचो अपने बेटे को कहता है कि प्लेग एक डिजीज है जो चूहों की वजह से फैला था, तो वहां उसका रेफरेंस दिया गया है कि जो प्लेग ऑफ लॉक्टस है, मतलब कि जो टिड्डी दल होते हैं ना, जब टिड्डी दल भी आपके खेतों पर हमला करते हैं तो इतना नुकसान नहीं करते हैं जितना नुकसान किसने किया है, हेलस्टोन ने किया है, जो ओले पड़े हैं ना उसने किया है। वो अपने बेटे को ऐसा कहता है और फिर क्या कहता है कि हमारे पूरे साल की मेहनत बेकार हो गई है, अब हमारे पास एक भी कॉर्न नहीं बचा है, एक भी मकई नहीं बचा है और इसका रिजल्ट क्या होगा, इस साल हम लोग भूखे रह जाएंगे, भूखे मर जाएंगे। क्यों? क्योंकि हमारे पास कुछ भी नहीं बचा है, इकलौता घर है हमारा, हमारा जो सर्वाइवल है वो किस पे डिपेंड था, इस मकई के खेत पे डिपेंड था, लेकिन सडनली सब कुछ खत्म हो गया है। तो ये सिचुएशन हो जाती है। अभी आप देखो, बिगनिंग ऑफ द स्टोरी लेंचो वॉज वेरी हैप्पी, ठीक है, वो अपनी वाइफ के साथ, अपने बच्चों के साथ इंजॉय कर रहा है इसी रेन को, लेकिन थोड़ी सी ही चेंज आ जाती है सिचुएशन में और सब कुछ स्पॉइल हो जाता है। इसीलिए कहते हैं एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज डेंजरस, कोई भी चीज लिमिट से ज्यादा हो जाए तो वो खतरनाक हो जाती है, याद रखिएगा। बट इन द हार्ट ऑफ ऑल हु लिव्ड इन दैट सॉलिटरी हाउस इन द मिडल ऑफ द वैली, देयर वाज अ सिंगल होप, हेल्प फ्रॉम गॉड। डोंट बी सो अपसेट, इवन दो दिस सीम्स लाइक अ टोटल लॉस, रिमेंबर नो वन डाइज ऑफ हंगर, दैट्स व्हाट दे से, नो वन डाइज ऑफ हंगर। सिचुएशन समझो, अब लेंचो की सारी खेत खराब हो चुकी है, बर्बाद हो चुकी है। लेंचो अपने घर में आ जाता है, उस घर में जो इकलौता घर है उस पहाड़ी की चोटी पर, सभी लोग, लेंचो का पूरा परिवार, उसकी वाइफ, उसके बच्चे, सभी सैड हैं। लेंचो का दिल दुख से भरा हुआ है और लेंचो के दिल में एक ही चीज चल रही है कि इस वक्त अगर हमारी कोई मदद कर सकता है तो वो कौन है, गॉड है, क्योंकि गॉड के सिवाय कोई भी इंसान हमारी मदद नहीं कर सकता है। क्योंकि आज तक लेंचो ने यही सुना है, पढ़ा है, क्या कि कोई भी इंसान भूखा नहीं मरता, और यही बात लेंचो के दिल में बार बार आ रही है, और जिसकी वजह से वो क्या डिसाइड करता है कि टेंशन मत लो भाई, ईश्वर है जो हमारी हेल्प ज़रूर करेगा। ऑल थ्रू द नाइट लेंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप, द हेल्प ऑफ गॉड, whose eyes, as he had been instructed, see everything, even what is deep in one consigns. Lencho was an ox of a man, working like an animal in the field, but still he knew how to write. अब देखो, situation क्या है? Lencho अपने घर में, अपने बिस्तर पे लेटा हुआ है, और उसके दिमाग में बस एक ही चीज चल रही है, क्या?
कि इस सिचुएशन में मेरी मदद कौन करेंगे, गॉड करेंगे, भगवान करेंगे, ईश्वर करेंगे, क्योंकि उसने आज तक यही पढ़ा है, सीखा है, समझा है कि चाहे आप अकेले हो, आपको कोई भी नहीं देख रहा है, आपके अंतरात्मा, आपके दिल में, आपके दिल की गहराई में जो भी चीज़ है, जो भी थॉट है, वो कौन देख सकता है? गॉड देख सकते हैं। और इसी वजह से उसको ये उम्मीद है, ठीक है ना, एक उसको एक ट्रस्ट है भगवान पर कि ईश्वर हमारी सिचुएशन को देख रहे हैं और वो हमारी मदद ज़रूर करेंगे। और इसी वजह से वो अपने सिंगल होप की तरफ ही बार बार सोचता रहता है। फिर हमें बताया जाता है कि लेंचो एक ऐसा इंसान है, एक ऐसा हार्ड वर्किंग मैन है, एक ऐसा फार्मर है जो दिन रात अपने खेत में कड़ी मेहनत करता रहता है। लेकिन लेकिन याद रखना, वो एक गरीब किसान तो है लेकिन वो पढ़ा लिखा किसान है। आई बात समझ में? मोस्ट ऑफ द टाइम ये थॉट आता है हमारे माइंड में कि किसान है, गरीब है, इसको कौन सा पढ़ना लिखना आता होगा। लेकिन लेंचो जो है ना, वो पढ़ा लिखा है, उसे पता है कि किस तरीके से लिखना पढ़ना है। द फॉलोइंग संडे आर डे ब्रेक ही बिगैन टू राइट अ लेटर विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू द टाउन एंड प्लेस इन द मेल। इट वॉज नथिंग लेस देन अ लेटर टू गॉड। फॉलोइंग संडे मतलब मान लो कि ये सिचुएशन जब ओले पड़े हैं, मान लो कि दिन है फ्राइडे का, तो सैटरडे छोड़ दो जी, संडे की बात आ जाती है। संडे को डे ब्रेक, डे ब्रेक का मतलब क्या है? अर्ली मॉर्निंग, जब जो ये हमारे मुर्गे होते हैं ना, वो करते हैं ना कुकड़ू कूँ, और ये जो बर्ड्स हैं वो चर्पिंग शुरू कर जाती हैं, चूँ चैं चूँ, ठीक है, उस टाइम की बात है। मतलब अर्ली मॉर्निंग नियर अबाउट 4 o'clock, ठीक है। लंच उठता है और एक लेटर लिखना शुरू कर देता है, और वो ये डिसाइड करता है कि इस लेटर को मैं खुद जाकर सिटी में पोस्ट करके आऊँगा। और वो लेटर कुछ और नहीं बल्कि क्या होता है? लेटर टू गॉड। एक लेटर है जो किसको लिखा गया है? गॉड को लिखा गया है। गॉड ही रोट, इफ़ यू डोंट हेल्प मी, माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर। आई नीड 100 pesos. In order to sow my field again and to live until the crops come because the hailstone. अब लेटर में वो क्या लिखता है, उस सिचुएशन को समझो। पहले वो लिख देता है डियर गॉड, आपको तो पता ही है जब हम लेटर लिखते हैं तो डियर फादर मदर सब कुछ लिखते हैं ना, तो उसी तरीके से ये एड्रेस कर देता है क्या? डियर गॉड। और फिर वो सिचुएशन को बता देता है कि अगर आपने मेरी मदद नहीं करी, अगर आपने मेरी मदद नहीं करी तो मैं और मेरा परिवार इस साल भूखे रह जाएंगे, और इसकी वजह से हम लोग कैसे ज़िंदा रह पाएंगे। फिर वो डिमांड भी बताता है अपनी सिचुएशन को, बोलने के बाद समझाने के बाद कहता है कि मुझे आपसे हेल्प चाहिए, और हेल्प में क्या चाहिए? 100 pesos चाहिए, 100 pesos। और pesos क्या होता है? करेंसी ऑफ सेवरल लैटिन अमेरिकन कंट्री। इंडिया में तो 100 rupees हो गए ना भाई, तो यहाँ पर लैटिन अमेरिकन कंट्रीज है, तो वहाँ पर क्या है? pesos। तो वो क्या कहता है कि आप मुझे 100 pesos जो है मनी वो सेंड कर दीजिए, और उससे मैं क्या करूँगा, अपने परिवार का पालन पोषण करूँगा, दोबारा से अपने खेत को बीज लूँगा, और दोबारा से जब तक खेत मेरी दोबारा सेट नहीं हो जाती पूरी तरह से, मेरी खेत जो है वो पक नहीं जाती है, सारी फसल अच्छी नहीं हो जाती, उसको मैं सेल नहीं कर लेता हूँ, तब तक 100 pesos में मैं और मेरा परिवार गुजारा कर लेंगे। फिर वो लिखता है बिकॉज द हेलस्टॉर्म डॉट डॉट डॉट, मतलब वो सारी सिचुएशन को बता देता है कि अचानक से बारिश जो थी वो हेलस्टोन में चेंज हो गई और मेरी सारी की सारी फसल बर्बाद हो गई। ही रोट टू गॉड ऑन द एनवेलप, पुट द लेटर इनसाइड एंड स्टिल ट्रबल, वेंट टू टाउन। एट द पोस्ट ऑफिस ही प्लेस अ स्टाम्प ऑन द लेटर एंड ड्रॉप्ड इट इनटू द मेल बॉक्स। अब देखो, वो लेटर लिख लेता है, लेटर को फोल्ड करता है, इनवेलप में डाल देता है। इनवेलप में जैसे हम टू लिखते हैं और फिर एड्रेस लिखते हैं ना, जिसके लिए हमारा लेटर होता है, ठीक है, तो वो टू लिखता है और क्या लिख देता है? गॉड, कि ये जो लेटर है वो किसके लिए है? गॉड के लिए है। उसके बाद वो खुद ही चला जाता है कहाँ? टाउन में। टाउन में वो पहुँच जाता है पोस्ट ऑफिस में। पोस्ट ऑफिस में वो कुछ स्टैम्प लेता है। स्टैम्प क्या होता है? स्टिकर्स टाइप ना। पहले देखो, मैं आपको यहाँ समझाती हूँ एक चीज़। आजकल तो हमारे पास व्हाट्सअप है, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, ठीक है, मेल है, बट ये स्टोरी बहुत पुरानी है, ठीक है। उस टाइम पे क्या होता था, एक जगह से दूसरी जगह जो है वे ऑफ कम्युनिकेशन क्या होता था,
लोग लेटर्स लिखते थे, पोस्ट ऑफिस में पोस्ट करते थे, वो जाता था और फिर वापस आता था उसका रिप्लाई, ऐसा सिचुएशन होता था। तो उसके ऊपर ना टिकट्स लगते होते थे, ठीक है, स्टैंप लगती होती थी। तो वही चीज़ है, क्या हुआ कि लेंचो लेटर लिखता है, उसको लिफाफे में डालता है, स्टैम्प पेस्ट करता है और उसे क्या करता है, लेटर बॉक्स में डाल देता है कि ये लेटर कहाँ पहुँचा दिया जाए, गॉड के पास पहुँचा दिया जाए। One of the employee who was a postman and also help at the post office went to his boss laughingly, heartily, and showed him the letter to God. Never in his career as a postman he had known that address. अब देखो, लेंटो ने अपना काम कर दिया, उसने एक लेटर लिखा, ठीक है, लेटर को पोस्ट भी कर दिया भगवान के लिए। अब यहाँ से हमें क्या पता लग रहा है कि उसका भगवान पर एक भरोसा है कि भगवान उसकी हेल्प करेंगे, ठीक है, इसलिए उसने सारे सिचुएशन लिख कर क्या करी, भगवान को लेटर में पोस्ट कर दिया। अब दूसरा सीन समझो, दूसरा सीन क्या है, पोस्ट ऑफिस का। पोस्टमैन लेटर बॉक्स को ओपन करता है और वो सारे लेटर इकट्ठे करता है और वो देखता, अरे ये क्या है भाई, गॉड को लेटर लिखना, और वो हंसना शुरू कर देता है। और हंसते हंसते वो क्या है, अपना जो लेटर है, लेंचो का लेटर है जो गॉड के लिए लिखा गया है, उसे लेकर कहाँ, अपने एक बॉस के पास चला जाता है और उसे दिखाता है कि अरे ये देखो, किसी ने ना गॉड के लिए लेटर लिखा है। क्योंकि अपने करियर में एज अ पोस्टमैन उसने कभी भी ये एड्रेस नहीं पता था और कभी भी उसने ऐसा कोई लेटर नहीं देखा था। द पोस्ट मास्टर अ फैट एमिएबल फेलो ऑल्सो ब्रोक आउट लाफिंग बट ऑलमोस्ट इमिडिएटली ही टर्न सीरियस एंड टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क कमेंटेड व्हाट अ फेथ विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन हु रोट दिस लेटर स्टार्टिंग अप अ करस्पॉन्डेंस विद गॉड। जब पोस्टमैन अपने बॉस को, बॉस कौन है यहाँ पे, पोस्टमास्टर को वो लेटर दिखाता है, तो पोस्टमास्टर भी बहुत ज़्यादा हंसना शुरू हो जाता है। और पोस्टमास्टर कैसा है, एक फैट है, ठीक है, मोटा तगड़ा आदमी है, लेकिन काफ़ी फ्रेंडली है। अमेबल का मतलब क्या होता है, फ्रेंडली, मोटा है बट काफ़ी कूल टाइप का बंदा है। तो वो भी पहले हंसने लग जाता है, लेकिन सडनली ही वो चुप हो जाता है और उस लेटर को अपने डेस्क पे देखता रख देता है, हिलाता रहता है और सोचता है कि किस तरीके का फैत है ये, आज तक मैंने अपने जीवन में ऐसा इंसान नहीं देखा जिसको इतना ज़्यादा अटूट विश्वास है भगवान में। और वो उसने क्या है, एक कॉरेस्पॉन्डेंस कन्वर्सेशन शुरू कर दिया कि मैं लेटर लिखूंगा भगवान का रिप्लाई आएगा, मैं लेटर लिखूंगा भगवान का रिप्लाई आएगा। मतलब उस सिचुएशन को समझ कर जो पोस्ट मास्टर होते हैं ना, वो बहुत ही ज़्यादा सीरियस हो जाते हैं। सो इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड द पोस्ट मास्टर केम अप विद एन आइडिया आंसर द लेटर बट व्हेन ही ओपन इट वॉज एविडेंट दैट टू आंसर इट ही नीडेड समथिंग मोर दैन गुडविल इंक एंड पेपर। अब देखो, जब पोस्टमास्टर देखता है कि किसी ने गॉड को लेटर लिखा है, ठीक है, तो गॉड को लेटर लिखा है तो वो क्या सोचता है कि अरे यार उस इंसान का बहुत ज़्यादा भरोसा है भगवान में, उसका भरोसा ना टूटे, ठीक है, इस वजह से वो क्या करता है, वो डिसाइड करता है कि भाई इस लेटर का हम आंसर लिखेंगे, जो भी इसमें डिमांड करी गई है, जो भी सिचुएशन है उसकी हम हेल्प करेंगे। और लेकिन जब वो लेटर को खोलता है, ठीक है, और लेटर को पढ़ता है, तो उसे पता लगता है कि भाई जो इसमें चीज़ लिखी हुई है ना, वो बहुत ही ज़्यादा है, ठीक है, वो इंक और पेपर नहीं है कि सिर्फ हमने लिख लिया और उसका आंसर दे देंगे, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पे मनी की डिमांड करी गई है। बट ही स्टक टू हिज रेजोल्यूशन ही आस्क फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉय ही हिमसेल्फ गेव पार्ट ऑफ हिज सैलरी एंड सेवरल फ्रेंड ऑफ हिज वर ओब्लाइज टू गिव समथिंग फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी। अब देखो, जब वो लेटर को पढ़ता है, पोस्ट मास्टर लेटर को पढ़ता है, उसे पता लगता है कि 100 pieces की डिमांड करी गई है, ठीक है, लेकिन वो क्या सोचता है, नहीं यार कुछ मर्जी हो जाए ना, मुझे तो इस लेटर का आंसर लिखना ही लिखना है ताकि ये जो इंसान है जिसने ये लेटर लिखा है उसका भगवान से भरोसा ना टूटे, ठीक है। इस वजह से वो अपने सारे एम्प्लॉय, जो पोस्ट ऑफिस में जितने एम्प्लॉय होते हैं, उन सभी को रिक्वेस्ट करता है भाई थोड़े थोड़े पैसे तुम इकट्ठे करो, ठीक है, वो भी अपने सैलरी का कुछ पार्ट देता है और पोस्ट मास्टर के जितने फ्रेंड्स होते हैं वो भी कुछ ना कुछ पैसे इकट्ठा करते हैं, ये सोच कर कि चलो हम क्या कर रहे हैं, चैरिटी कर रहे हैं। आई बात समझ में।
इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गैदर टूगेदर द 100 पीसेस. सो ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली अ लिटल मोर देन हाफ. He put the money in the envelope addressed to Lencho and with it a letter containing only a single word as a signature, God. अब देखो 100 pesos अभी के टाइम में हमें लग रहा है कि यार ये बहुत कम पैसे थे, लेकिन ये जो स्टोरी है ये लिखी गई है ना, मैं तुम्हें बताती हूँ. देखो जब मैं स्टूडेंट थी, ठीक है, जब मैं 10th क्लास में पढ़ती थी तब भी यही चैप्टर था. जब मेरे भैया जो मेरे से 10 साल बड़े हैं वो 10th में पढ़ते थे तब भी यही चैप्टर था. तो अब तुम खुद सोच कर देखो यार कि कितनी पुरानी स्टोरी है, कम से कम 50 साल पहले की है ये स्टोरी, ठीक है ना. तो 50 साल पहले की स्टोरी है तो 100 पीसेस जो है ना वो बहुत मैटर करते हैं, ठीक है. तो उन लोगों ने, पोस्ट मास्टर ने, पोस्ट मैन ने और जितने भी एम्प्लॉय थे, फ्रंट थे पोस्ट मास्टर के, सभी ने पैसे वैसे इकट्ठे करे, ठीक है. लेकिन वो कितना हुआ, मोर देन हाफ बट नॉट फुल. मोर देन हाफ मतलब 50 से ज्यादा हो गया बट फुल नहीं हुए. और उसने क्या किया, सारे पैसे को इकट्ठे किए, एक एनवेलप में डाला और एड्रेस पे लिख दिया टू लेंचो, और यहाँ पे फ्रॉम में एक सिंगल वर्ड लिख दिया क्या, कि गॉड. कि ये जो लेटर है वो कहाँ से आया है, गॉड की तरफ से आया है. द फॉलोइंग संडे लेंचो केम अ बिट अर्लियर देन यूजुअल टू आस्क इफ देयर वॉज अ लेटर फॉर हिम. उस दिन मतलब वो सिचुएशन के होने के बाद, लेटर उसने लेंचो ने डाल दिया, उसके बाद वो चला गया, ठीक है. उसके बाद मतलब जो नेक्स्ट संडे आया, नेक्स्ट संडे जो लेंचो है वो पोस्ट ऑफिस पहुंच जाता है, थोड़ा पहले पहुंच जाता है जितने टाइम, मतलब पहले उस दिन तो डे ब्रेक पे गया था, ठीक है, एकदम अर्ली मॉर्निंग. आज थोड़े और पहले चला जाता है और पूछता है कि क्या उसके लिए कोई लेटर आया है. इट वॉज द पोस्ट मैन himself who handed the letter to him, while the postmaster, experiencing the contentment of a man who had performed a good deed, looked on from his office. जो postman है उसे एक letter देता है, postman खुद Lencho को एक letter देता है, और जो postmaster होता है वो बहुत ही ज़्यादा खुश है, उसकी अंतरात्मा बहुत ही ज़्यादा relaxed है. क्यों? क्योंकि उसे पता है कि आज उसने कुछ अच्छा किया है. तो he was just looking, ठीक है, वो अपने मतलब कि ये समझ लो कि कैबिन में बैठकर बस देख रहा होता है कि देखता हूँ कि लेंचो का रिएक्शन कैसा होता है. लेंचो शोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी, सच वॉज हिज कॉन्फिडेंस. क्या कहता है कि जब लेटर, ठीक है, लेंचो लेटर को ओपन करता है वो बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं होता है पैसों को देख कर. क्यों? क्योंकि उसको फुल कॉन्फिडेंस था कि भगवान उसकी मदद जरूर करेंगे. बट ही बिकम एंग्री वेन ही काउंटेड द मनी. लेकिन जब वो पैसों को गिनता है तो उसे गुस्सा आ जाता है. क्यों गुस्सा आता है? गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक नॉर कुड ही हैव डिनाइड लेंचो व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड. जब वो मनी को काउंट करता है लेंचो तो उसे गुस्सा आ जाता है. क्यों गुस्सा आता है? क्योंकि उसे ये लगता है कि भगवान से कभी गलती नहीं हो सकती और भगवान कभी भी मुझे मना नहीं कर सकते उस चीज के लिए जिस चीज की डिमांड मैंने की है. तो यहाँ पर दो चीजें हमें पता लगती हैं. देखो, एक चीज तो ये कि लेंचो जो है ना उसका स्ट्रॉन्ग फेथ है ईश्वर में कि भगवान उसकी मदद जरूर करेंगे, पहली बात. दूसरी बात ये कि जब वो पैसों को काउंट करता है, आपको पता है कि फुल पैसे नहीं है, मोर देन हाफ है बट नॉट फुल, ठीक है. तो इस वजह से लेंचो को ये लगता है कि यार मैंने जितनी डिमांड करी है ना, मुझे पता है भगवान मेरी सुनते हैं, वो मेरी हमेशा मदद करते हैं, तो वो गलती कैसे कर सकते हैं. तो ये सिचुएशन बन जाती है और इसकी वजह से लेंचो क्या है, थोड़ा गुस्सा हो जाता है. Immediately, Lencho went up to the window to ask for paper and ink. On the public writing table, he started to write with much wrinkling of his brow, caused by the effort he had to make to express his ideas. अब क्या है, इमिडिएटली जल्दी जल्दी लेटर को बंद करता है लेंचो, उसके बाद विंडो पे जाता है और वहां पे जो पोस्टमैन था या कोई भी इंप्लॉय था उसको कहता है भाई मुझे पेपर और इंक दो, मुझे दोबारा लेटर लिखना है. और फटाफट वो लेटर को लिखना शुरू कर देता है पब्लिक राइटिंग टेबल पर बैठकर. और जब वो लिख रहा होता है तो उसके जो आईब्रोज हैं, ठीक है, अब उसको वो श्रिंक कर रहा होता है, जैसे यहाँ पे पिक्चर में भी है. क्यों? क्योंकि वो जो लिख रहा है, अब आपको पता है जब हम
हैप्पी होते हैं तो हमारी आईज मूवमेंट और जो हमारे आईब्रोज की मूवमेंट और होती है, जब एंग्री होते हैं मतलब जो सिचुएशन होते हैं ना उसके साथ साथ हमारी जो फेस के एक्सप्रेशन है वो वेरी करने लगते हैं. वही सिचुएशन है कि व्हेन द लंचो वाज राइटिंग अगेन अ लेटर टू गॉड, ठीक है, उसके फेस एक्सप्रेशन चेंज हो रहे हैं, उसकी वजह से उसके आईब्रोज की जो मूवमेंट है वो भी चेंज हो रही है. व्हेन ही फिनिश्ड ही वेंट टू द विंडो टू बाय अ स्टैम्प which he licked and then affixed to the envelope with a blow of his fist. Lencho letter लिख लेता है जल्दी जल्दी, ठीक है. लेटर लिखने के बाद वो विंडो पे जाता है और स्टैम्प खरीदता है, स्टैम्प को लिक करता है और उसे पेस्ट कर देता है एनवेलप पे विद पेस्ट. पेस्ट होता है मुक्का मार के, ठीक है, वो थूक से लिक करना, ठीक है, अपने जीप पे लीक करता है मतलब थूक से यूज करके वो जो स्टैम्प है उसको पेस्ट कर देता है एनवेलप के ऊपर स्टिकर को, उसके बाद उस पर मुक्का मार देता है कि वो जो स्टिकर है और यू कैन से द स्टैम्प है वो जो है एनवेलप पे अच्छी तरह से फिक्स हो जाए. द मोमेंट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स द पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट. इट सेड, गॉड, ऑफ द मनी दैट आई आस्क फॉर ओनली 70 पीसेस रीच्ड मी. Send me the rest, since I need it very much. But don't send it to me through the mail, because the post office employee are a bunch of crook. Lencho. अब सिचुएशन को समझो. लेंचो लेटर को लिखता है, उस पे स्टैंप लगाता है और उसको क्या करता है, पोस्ट बॉक्स में डाल देता है. पोस्ट बॉक्स में डालकर वो चला जाता है. पोस्ट मास्टर जो बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड था क्योंकि उसने कुछ अच्छा काम किया था, वो जल्दी से जाता है और इस उम्मीद से जाता है कि थैंक यू का लेटर होगा, ठीक है, और वो लेटर को ओपन करता है और वो लेटर को पढ़ना शुरू करता है. लेटर में क्या लिखा हुआ होता है, डियर गॉड, मुझे आपने जो पैसे भेजे उसमें से सिर्फ 70 पीसोस जो है, 70 पीसोस जो है वो मुझे मिले हैं, बाकी के पैसे जो है 30 पीसोस वो भी आप मुझे सेंड कर दीजिए. और फिर वो आगे क्या लिखता है कि लेकिन आप डाक, ठीक है, पोस्ट ऑफिस के थ्रू मुझे पैसे नहीं भेजिएगा क्योंकि जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉय हैं वो क्या है, बंच ऑफ क्रूक है, मतलब जो ग्रुप है इनका जो क्या है, सभी के सब जो है वो बुरे लोग हैं, डिसऑनेस्ट पीपल हैं. और ऐसा लिखने के बाद वो फ्रॉम में ले देता है लेंचो और स्टोरी यहीं पर एंड हो जाती है. अब ये जो लास्ट का लेटर है ना, लास्ट की कुछ लाइनें, इसका मीनिंग देखो क्या है. आपको पता है हमारी जो सोसाइटी है, ठीक है, हमारी सोसाइटी जो है वो वहाँ पे करप्शन बहुत है, ठीक है, करप्शन बहुत है, तो इस वजह से अगर कोई लोग अच्छा भी करता है ना तो वो जल्दी नहीं दिखाई देता है, ठीक है. तो इस वजह से देखो, पोस्ट मास्टर ने लेंचो की हेल्प करी और ही वॉज एक्सपेक्टिंग कि लेंचो एक थैंक यू वाला लेटर लिखेगा, लेकिन लेंचो ने क्या कहा कि भाई जो ये पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉय है ना, सभी के सभी क्या है, बहुत ही डिसऑनेस्ट पीपल है. तो इस वजह से कहीं ना कहीं जो पोस्ट मास्टर उसे भी दुख हुआ, लेकिन कहीं ना कहीं ये किसका रिफ्लेक्शन दे रहा है, सोसाइटी का रिफ्लेक्शन दे रहा है कि हमारी सोसाइटी में इतना करप्शन है ना कि अगर 100 की डिमांड है अगर 70 रीच हो रहा है ना तो हमें पता है, आपको पता है ना कि करप्शन इतनी ज्यादा है कि अगर आपका 1000 रुपीज भी सेंक्शन होता है तो 200-300 रुपए जो ऊपर के एम्प्लॉयज होते हैं वो वैसे ही खा जाते हैं. तो वही सिचुएशन यहाँ पर है और इसी वजह से लेंचो जो है वो गॉड को रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज मेल से मुझे बाकी के पैसे मत भेजिएगा क्योंकि ये लोग फिर से उसे खा जाएंगे. आई होप कि आपको स्टोरी अच्छे से क्लियर हो गई होगी. चलिए एक रीकैप ले लेते हैं, क्विक रिविजन ले लेते हैं कि अभी तक हमने क्या पढ़ा है. देखो, लेंचो वॉज अ फार्मर एंड हैड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न. लेंचो एक गरीब किसान है, उसकी मकई की खेत है, ठीक है, और उसके खेतों को थोड़ी बहुत किसकी, बारिश की जरूरत है. अचानक से बारिश शुरू भी हो जाती है और बारिश किस में टर्न हो जाती है, हेल स्टोन में टर्न हो जाती है. इसके बाद क्या होता है, उसकी सारी फसल बर्बाद हो जाती है, उसके पास कुछ भी खाने के लिए भी नहीं होता है. तो उसके दिल में एक उम्मीद की किरण होती है और वो क्या होती है कि हेल्प फ्रॉम गॉड. इस वजह से वो एक लेटर लिखता है, लेटर में डिमांड करता है गॉड को कि मुझे 100 पीसेस सेंड कर दीजिए. जब पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉय जो होते हैं
वो लेटर को ओपन करते हैं तो वो डिसाइड करते हैं कि चलो हम लेटर को आंसर करेंगे। वो सारे चैरिटी करते हैं, डोनेशन वगैरह इकट्ठा करते हैं और वो 70 पीसेस जो है वो इकट्ठा कर लेते हैं और वो लेंचो को दे देते हैं। बट लेंचो जो होता है वो सेटिस्फाइड नहीं होता है, उसे लगता है कि भगवान ने मुझे 100 पीसेस भेजे थे बट 30 पीसेस जो हैं 30 पीसेस जो हैं वो ये एम्प्लॉय जो है पोस्ट ऑफिस के इन्होंने निकाल लिए। और इस वजह से वो क्या कहता है गॉड को कि प्लीज़ आप मुझे दोबारा जो मेरे रिमेनिंग पैसे हैं 30 पीसेस जो मुझे रिक्वायर्ड हैं वो आप मुझे भेजिए, लेकिन इस तरीके से पोस्ट ऑफिस के थ्रू मत भेजिएगा क्योंकि जितने भी लोग हैं पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉय हैं वो सभी के सभी क्या हैं, डिसऑनेस्ट हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट द चैप्टर। आई होप कि आपको अच्छे से एक्सप्लेनेशन भी समझ में आ गया होगा और जो इस चैप्टर का जिस्ट है, जो ऑब्जेक्टिव है, वो भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर आपको लगे कि आज आकर यहाँ पर आपने कुछ सीखा है, ठीक है, आपका टाइम वेस्ट नहीं हुआ है, तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।